तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके साथ हम जिक्र करेंगे, जैसे कि हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन से मतलब कैसे यूज होता है। लेकिन इन सबों में आपके सामने एक मोर रूल्स होता है, जिसमें एक से ज्यादा रूल्स आप दे सकते हैं। जैसे कि वहां पे ग्रेटर देन था, बट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था, तो ठीक बिटवीन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, आप यहां से इसको इंप्लीमेंट कर सकते। कैसे करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया गेट नॉट बिटवीन, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि 52 80 वाले को हाईलाइट ना करें, और यहां से ठीक हमने है, ठीक फॉर्मेट सेट कर दिया और ओके कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, सिलेक्शन हमने सिर्फ एक सिंगल सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन आपको एक एरिया सिलेक्ट करना होगा जिस एरिया पे आप ये अप्लाई करना चाहते। उसके अलावा है, यहाँ पे सेल वैल्यू है, इसमें मैं टेक्स्ट कर देते हैं, तो बाहर आपने पढ़ा था कंटेनिंग, यहाँ पे नॉट कंटेनिंग। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई सिंह, जिसके नाम पे सिंह लगा हुआ है उसको हाईलाइट नहीं करेगा, बाकी सबको कर देगा। बी एन बी जो सिंह से स्टार्ट है, या एन बी जो सिंह पे खत्म हो रहा है। ओके, यहाँ से हाईलाइट कर देगा। अब टेक्स्ट के बाद बात करते हैं डेट ऑफ इन, जो बाहर था, ब्लैंक ब्लैंक वॉलेट करेगा, नो ब्लैंक नो करेगा, एरर एरर वॉलेट करेगा। अब एरर पे एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, कभी कभी जब वी लुकअप वगैरह आप लगाते हैं तो आपके डेटा में आता है एनी। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो मुझे कुछ फिगर्स आए हैं, कहीं कहीं पे कुछ फिगर्स हैं, और बाकी जगहों पे हमारा ये एरर हैश ठीक एन ए। मैं चाहता हूं कि ये जो हैश एन ए है वो दिखे ही ना। हालांकि इसके लिए हम लोग इफ एरर का फॉर्मूला वगैरह लगाते तो है, बट इफ एरर का फॉर्मूला ना लगा के हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो हम मोर रूल्स में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एरर, और फॉर्मेट में जाएंगे, इसकी बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट है तो इसकी जो फॉन्ट कलर है उसको भी व्हाइट कर देंगे, तो व्हाइट पे व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं। तो ओके कीजिए, जी और यहाँ ओके कीजिए, आ गया ब्लैंक्स, सर, जी समझ गए, क्लियर सर, है। एकदम सर, क्लियर है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हमें आइकन्स हैं हमारे पास, तो आइकन का यूज तो करते हैं ना, जी सर, ने बताया था कि आइकन क्या होता है। अब मेरे पास क्या है ना कि कुछ टेस्ट हुए हैं ऑफिस के अंदर, और उसके स्कोर हमें यहाँ पे दिए गए। इसके जो स्कोर है ना वो तो मुझे यहाँ दिए गए। अब मुझे क्या करना है कि जो ग्रेटर देन 60 है ना वो पास है, 42 42 जो 60 है उसको रीटेस्ट बोला गया है, समझे, लेस देन 40 फेल। अब ये चीज यहां देना है, तो जो जानते हैं वो बोलेंगे कि इसके लिए तो हम इफ लगा लो, लगा सकते हैं। इसको हम कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी करके दिखाते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने आइकन्स का यूज किया, और ए वाली आइकन्स को ले लेते हैं, ले लिए, बट ए आइकन्स मेरी इस कंडीशन को फुलफिल तो नहीं कर रहा है जी सर, क्या, क्योंकि जी सर, सही इसको क्या पता कि मैंने क्या कंडीशन दिया है। बात है, तो इसके लिए हम मैनेज रूल्स पे जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ यहाँ पे आपकी कंडीशन है, तो परसेंट को हटा के हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर करना, और फिर यहाँ पे हम देते हैं 60, और यहाँ पे देते हैं 40, ठीक है, एंड ओके, एंड अप्लाई, एंड ओके। अब बताना पड़ेगा ना कि कौन पास कौन फिल क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 1, इसके ऊपर हम आइकन इस्तेमाल कर देते हैं।
अब ऐसा लेगो दोगे तो कोई पूछेगा कि वो 3-2-1 क्या है, है क्या है, जानने की क्यूरियोसिटी रहेगी ना सर। तो इसके लिए आप मैनेज रूल्स में जा सकते हैं और यहाँ पे ठीक है शो आइकन ओनली उसको हटा दे। अब गलती से आपने 1-2-3 कर दिया है तो रिवर्स ऑर्डर कर देंगे ना, तो फिर उसको रिवर्स कर देगा मैन। ओके अब इससे एक चीज और आइडिया आता है दिमाग में कि माँ अभी हमने आपको बताया आइकन से, लेकिन कभी कभी हमें यहाँ पे नेट में इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। मुझे इस पे क्या करना है ना कि डेटा बार लगाना है, तो डेटा बार जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये ऐसे लग गया, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कि डेटा बार जो बार चार्ट की तरह इसके बगल में है। नेक्स्ट सेल के अंदर जी, अगली सेल में है, नेक्स्ट सेल पे आया। जैसे कि इसके लिए हम लोग जब थे ना तो हम लोग क्या करते थे, इसका बार चार्ट लगाते थे, फिर इसको यहाँ से लेके नीचे की तरफ ड्रैग करते थे इस तरह से, ठीक है आपको सर। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते थे, फिर इसकी जो साइज है रो के साइज के अकॉर्डिंग उसको मैच करते थे, सबको डिलीट करते थे, काफी लफड़ा था इसके लिए। तो इसका यूज कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हमें इक्वल करके इसको सेलेक्ट कर लेते, ठीक है, और फिर इसके ऊपर हमें अपना बार आइकन जो लगाना चाहते वो लगाए। मैनेज रूल में जाएंगे, डेटा बार, और इसमें आपको दिख रहा होगा शो बार ओनली, क्लिक करेंगे देन ओके, ओके कर देंगे, अप्लाई देन ओके, ठीक है जी सर, लिख गया जी सर एकदम। अब वैल्यू चेंज हो जाए, मान लो 80 कर दिया, चेंज होगा ना, इसका यूज करते हैं। इसी तरह के और भी सारे बहुत सारे कंडीशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, इसकी चेंज मेंज भी कर सकते हैं, उसी से ये कर सकते हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, अब यहां पे मैं करता हूं सर्च। मैं चाहता हूं कि यहां मैं जो भी नंबर दूंगा वो यहां जहां जहां है ना वो हाईलाइट होता है। जैसे मैंने यहां 50 दिया या 34 दिया तो 34 ये है कि हाईलाइट हो जाए, और भी कहीं भी है तो हाईलाइट हो जाए। तो यहां पे हमने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और यहां हमारे पास होता है इक्वल टू। अब इक्वल टू पे तो जो नंबर डालोगे वो हाईलाइट हो जाएगा, तो जरूरी नहीं क्या नंबर ही दो, आप यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो। जैसे मैंने C2 को दे दिया, हम यहाँ पे जो भी डालेंगे 34, 53, 19, 31, 10 ठीक है जी सर। अब इसमें एक चीज और आता है, अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस करना चाहता हूँ, जैसे कि जैन फेब मार्च पूरा सेल्स है, सेल है ना पूरा यहाँ पे जी सर, ये 50,000 के आसपास है, ये देखेंगे ये आपका दिसंबर, ये आपका 5400 के आसपास है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो इन सबों का टोटल, मान लो टोटल कॉलम तो दिया हुआ है लेकिन सपोज कीजिए कि टोटल है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि इन सबों का जो टोटल है अगर वो ग्रेटर देन 6000, टोटल का 10% ग्रेटर देन 6000 होता है तो पूरी की पूरी रो को कलर कर। तो यहाँ पे फॉर्मूला की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कलर कहीं और करना है, कंडीशन कहीं और करना है, तो उस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के अंदर जाएंगे, यूज फॉर्मूला। जब फॉर्मूला हम चेक कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सिर्फ आप सिलेक्ट करेंगे एक सिंगल सेल को, जैसे कि हमने A2 वो किया, ठीक है जी सर।
और यहाँ पे मैंने बोला कि सम ब्रैकेट, हमने इसको ले लिया पूरा को, ठीक है। अगर एक ग्रेटर देन, तो इसका 10% है ना, 10% ग्रेटर देन 6000 है तो फॉर्मेट में जाए, फिल्ड में जाए और यहां पे कलर अप्लाई कर देन ओके। अब ड्रैग करने से पहले जो दो के आगे का डॉलर है उसको हटा दीजिएगा, ताकि हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करें तो 2-3 बन जाए, देन ओके। फॉर्मेट पे एंटर और पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया मैंने, आ गया समझे? मतलब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे ऊपर लगाई थी वही बाकी सब पे अप्लाई करती। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही किया। तो इस तरह के और भी फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कोई टेक्स्ट में ना लिख, तो किसी सेल वैल्यू पे अगर टेक्स्ट है कैसे पता चलता है? पता चलता है इज टेक्स्ट फॉर्मूले से। अगर टेक्स्ट होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्रू होने पे ही कंडीशन अप्लाई करता है। तो यहाँ पे जाइए न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और यहाँ इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कर दीजिए और कुछ नहीं करना, टू हटा दीजिए यहां से फॉर्मेट से और यहाँ पे और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ प्रिंट कर दीजिए। अब जैसे नंबर होगा कोई बात नहीं, टेक्स्ट होगा हाईलाइट। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं सर, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमने फॉर्मूले को पढ़ा नहीं है। फिलहाल कर देते हैं होल्ड। एक और क्लास होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जिसमें हम फॉर्मूले और बाकी चीज लगाना सिखाएंगे।